रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12:15 संसद के सेंट्रल हॉल में कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के हर गोविंद को शपथ दिलाएंगे और इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नव निर्वाचित राष्ट्रपति अपनी कुर्सियों की अदला बदली करेंगे। कोविंद प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति भवन से संसद तक की यात्रा बग्घी से करेंगे। इस दौरान प्रणब मुखर्जी बाई तरफ से और कोविंद दाई तरफ से बैठेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से लौटते समय वो दोनों अपनी जगह बदल लेंगे और एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे। चीफ जस्टिस केहर, स्पीकर सुमित्रा महाजन और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी सेंट्रल हॉल की ओर जाते हुए उनके साथ होंगे। शपथ ग्रहण के बाद सेंट्रल हॉल में नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भाषण होगा। इसके बाद मुखर्जी कोविंद के साथ अपने नए आवास 10 राजाजी मार्ग पहुंचेंगे। इसके बाद तीनों सेनाओं के दस्ते कोविंद को लेने उनके पुराने घर जाएंगे। उन्हें बग्घी में बैठाकर राष्ट्रपति भवन तक लाया जाएगा, जहां सेना के तीनों अंगों की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सवा 12:15 वो ऐतिहासिक लम्हा जब रामनाथ कोविंद शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण ये होगा और राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाएंगे। उसके पहले तमाम कार्यक्रम आज होने वाले हैं, जिसपे अभी प्रणब मुखर्जी से मुलाकात और साथ ही साथ उन्हें सेना के तीनों अंगों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। प्रणब के साथ कोविंद संसद भवन पहुंचेंगे, जिसके बाद 12:15 का वो वक्त होगा जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। इस समारोह के लिए चीफ जस्टिस केहर, स्पीकर सुमित्रा महाजन और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी सेंट्रल हॉल की ओर जाते उनके साथ होंगे। शपथ ग्रहण के बाद सेंट्रल हॉल में नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भाषण भी होगा। इसके बाद मुखर्जी कोविंद के साथ अपने नए आवास 10 राजाजी मार्ग पहुंचेंगे। अमित, क्या खास तैयारी देख पा रहे हैं आज आप शपथ ग्रहण समारोह के लिए? देखिए, अब से थोड़ी देर में यहां पर निकलेंगे रामनाथ कोविंद और 10:15 पर यहां पर इनके घर से निकलने का प्रोग्राम है। और आप देख सकते हैं कि इनके घर पर जो समुचित जो व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। और 10:15 के बाद जब वो निकलेंगे तो जो औपचारिकताएं हैं वो यहां पर पूरी की जाएंगी। फिलहाल अंदर हैं यहां पर रामनाथ कोविंद, अपने परिजन के साथ हैं और जो उनकी दिनचर्या है वो उस हिसाब से वो उसका पालन कर रहे हैं। और जहां तक यहां की व्यवस्था की बात है तो पिछले 3-4 दिन से जैसे एक अति विशिष्ट व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है, यहां पर पूरी तरीके से वैसी ही व्यवस्था की गई है। जी अमित, जो निकलने का जो प्रोसेस है, जब वहाँ से वो निकलेंगे तो क्या कोई खास इंतज़ाम उनको जाने तक का, राष्ट्रपति भवन तक जाने तक के कोई खास इंतज़ाम किया गया है? देखिए, अब जब से ये राष्ट्रपति पद पर उनके काबिज होने का जो रास्ता है लगभग तय हो गया है, तो अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा उनको दिया गया है। तो जैसा भी स्पेशल प्रोटेक्टिव होती है उस तरीके की व्यवस्था उनको दी गई है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर खास तरीके की गई, जैसे VVIP यहाँ पर चलता है और करीब 10:15 के आसपास उसी स्पेशल प्रोटेक्शन अरेंजमेंट के तहत यहाँ पर वो रहेंगे और निकलेंगे। तो कुल मिला के 10:15 के आसपास यहाँ पर निकलेंगे और राजघाट जाने की संभावना है और उसके बाद वहाँ से वो पार्लियामेंट जाएंगे। जी अमित, क्या कोविंद के साथ उनके घर परिवार के लोग भी आ जाएंगे, ऐसे भी कोई जानकारी? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि कोविंद जो है वो आज प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति भवन से संसद तक की यात्रा बग्घी से भी करेंगे। उस दौरान प्रणब मुखर्जी बाई तरफ और कोविंद दाई तरफ बैठेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से लौटते समय वो दोनों अपनी अपनी जगह को बदल लेंगे और एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे। चीफ जस्टिस खेहर, स्पीकर सुमित्रा महाजन और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी सेंट्रल हॉल की ओर जाते हुए उनके साथ होंगे। 12:15 का वो वक्त होगा, ऐतिहासिक लम्हा होगा, जब रामनाथ कोविंद शपथ लेंगे, 14वें राष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे। रामनाथ कोविंद NDA की तरफ से पहली बार कोई राष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रहा है, ऐसे में काफी खुशी की लहर भी यहां देखी जा सकती है।